और जो है हिंदी, हिंदी में आप लोग को छठा पाठ है बिहारी के जो है पाठ का उसका अभ्यास लिखवा चुकी हूँ और कविता भी बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोग एक कर कविता का अर्थ लिखवा रही हूँ। पहला पंक्ति कविता प्लस अर्थ लिखवा चुकी हूँ, आज मैं दूसरा पंक्ति कविता उसका अर्थ लिखवाने जा रही हूँ। दूसरा पंक्ति कविता उसका अर्थ लिखने एक बार पढ़ ध्यान दीजिए। दूसरा पंक्ति कविता है, जब माला छापो तिलक सरौना एको कामू, जब माला छपो तिलक सरौना एको कामू, मन काचो नाचो वृथा साचे राचो रामू। इसका अर्थ है कभी बिहारी दिखावा का विरोध करते हुए कहते हैं तो पूजा पाठ जो है दिखावा नहीं है, सच्चे मन से करते हुए कहते हैं। कई बिहारी दिखावा का विरोध करते हुए कहते हैं कि माला जपने तथा तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। माला जपने लगाने दिखाने के लिए लोगों को और तिलक लगा लेने से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक मन सांसारिक मुँह माया में फंसा हुआ है, जब तक मन सांसारिक मुँह माया में फंसा हुआ है,
ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे दिल से ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, सच्चे दिल से ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर सत स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और तिलक लगा ले हैं, चले जाएंगे तो हम बहुत बड़ा पुजारी हैं। ईश्वर को पाने के लिए एकांत में होकर सच्चे दिल से अगर ईश्वर की याद कीजिएगा तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। माला जपने और तिलक लगाने से ईश्वर प्राप्ति होती है। इस पंक्ति कविता का अर्थ है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, मन लगा कर पढ़िए, फिर तैयार करके रखिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी क्वेश्चन भेजे उसे बनाकर जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आज का प्रश्न ओके।